की उपासक माँ दुर्गा की भक्ति का खास चैत्र नवरात्रि पर्व का गुरुवार को समापन हो गया। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी पर्व मनाया गया। लॉकडाउन के कारण भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। कालिका माता स्थित श्री राम मंदिर में कुछ भक्तों ने राम जी की आरती कर रस्मों का निर्वाह किया। तेलाना रोड स्थित राम मंदिर पर भी गिने चुने भक्तों ने आरती कर रामनवमी पर्व मनाया। कोरोना का कहर गोठड़ा माताजी की भविष्यवाणी पर भी पड़ा। जारी लॉकडाउन के चलते गोठड़ा माताजी की भविष्यवाणी इस वर्ष नहीं हुई। रतलाम जिले के जावरा के पास रतलाम उज्जैन के आखिरी छोर पर ग्राम गोठड़ा में चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी पर प्रतिवर्ष मलेनी नदी के तट के किनारे महिषासुर माताजी के इष्ट पंडा जी को माताजी आते हैं। तब यह साल भर की भविष्यवाणी होती है जो सच साबित होती है। पंडा जी की भविष्यवाणी सुनने के लिए 5 राज्यों के लाखों लोग पहुँचते हैं। इस वर्ष कोरोना का कहर होने से लॉकडाउन ने यहाँ के नज़ारे बदल दिए हैं। 105 सालों से हो रही भविष्यवाणी इस बार नहीं हो सकी। लिहाजा मलेनी नदी तट वीरान रहा, वहीं मंदिर में सन्नाटा रहा। मंदिर ट्रस्ट ने नवमी पर होने वाले धार्मिक आयोजन भी निरस्त कर दिए थे। पंडा जी की भविष्यवाणी नहीं होने से खासकर कृषक और राजनीतिक क्षेत्रों में मायूसी रही। किसान कैसा होगा वर्षा काल, कैसी होगी फसल और नेता राजनीति की हालत जानने के लिए चिंतित रहे। पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन कर रखा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं उज्जैन जिला के प्रशासकों के आग्रह पर इस वर्ष हमने 2077 की यह भविष्यवाणी निरस्त कर दी गई थी। गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी को कितने वर्ष हो चुके हैं? करीब करीब 113 वर्ष हो चुके थे और यह 114वीं भविष्यवाणी हमारे समक्ष होने वाली थी, परंतु देश भर में कोरोना वायरस के चलते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि यह महामारी एक दूसरे व्यक्तियों के स्पर्श से, छूने से, आपस में बैठने से, आपस में बात करने से यह महामारी फैल सकती थी। इस महामारी को नहीं फैलाते हुए हम स्वस्थ रहे, इस दृष्टि से हमने यह भविष्यवाणी स्थगित कर दी गई। जिला चिकित्सालय में आज सुबह डॉक्टर के नहीं होने से हॉस्पिटल में आए मरीजों ने हंगामा कर दिया। ये मरीज निर्धारित समय से ओपीडी में लाइन लगाकर खड़े थे, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी कोई भी डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को देखने नहीं पहुंचा। डॉक्टरों के नहीं आने से इन मरीजों में आक्रोश छा गया। मरीजों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे और एक चिकित्सक को बुलाकर ओपीडी में तैनात किया। हाँ दादा, 24 घंटे ड्यूटी होना चाहिए ना डॉक्टर की जिला अस्पताल है तो। या फिर भी डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है अभी। कितने बजे से आए हैं? 8 बजे से आया हुआ आदमी। क्या समस्या है आपकी? मेरे को सर्दी खांसी हो रही है, गले में खराश हो रही है, हल्का हल्का बुखार है। तो बचाने आया तो बोल रहे कि छुट्टी है और वहाँ पे गेट पे पर्ची बन रही है। बताओ आप, कितने मरीज खड़े, सबके पास पर्ची है कि नहीं? बताओ अपनी अपनी पर्ची है, बताओ सब चले। कितने बज रहे हैं? क्या समय है? क्या समय हो रहा है? इतने गंभीर मरीज है यहाँ पे, 15-20 मरीज गंभीर है, एक भी डॉक्टर देखने के लिए ड्यूटी पे नहीं है अभी। ये जिला चिकित्सालय है कि मजाक बना रखा है? सावधान, यदि आप वाहन लेकर बाजार जा रहे हो तो रुक जाइए। लॉकडाउन के समय खरीदी के लिए दी गई छूट के समय भी पुलिस प्रशासन ने बाजार में 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया है। प्रतिबंध के बाद भी नागरिक वाहन लेकर बाजार आ जा रहे हैं। पुलिस के प्रतिबंध को जब जनता नहीं मान रही है तब पुलिस ने सख्ती कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस बेवजह प्रतिबंध के बाद भी बाजार में वाहन लेकर आने वालों की गाड़ियां जब्त कर थाने भेज रही है। शहर के 4 थानों में वाहनों का जमावड़ा लग गया है। थानों में वाहनों की चाबियों का ढेर लगा है। पुलिस अब तक करीब 150 से अधिक वाहन जब्त कर कार्रवाई कर रही है।
पुलिस विभाग में रतलाम रेंज के मुखिया के पद की कमान आज से महिला पुलिस अधिकारी ने संभाल ली है। भोपाल से स्थानांतरित होकर आई रुचिवर्धन मिश्र ने रतलाम रेंज के डीआईजी का पदभार ग्रहण किया है। उल्लेखनीय रहे कि रतलाम रेंज के डीआईजी श्री गौरव राजपूत का स्थानांतरण पिछले दिनों भोपाल हो गया था। राज्य शासन ने भोपाल पुलिस मुख्यालय में पदस्थ रुचिवर्धन मिश्र को रतलाम रेंज का डीआईजी पदस्थ किया है। लॉकडाउन के दौरान गरीब निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को 10 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। चेतन कश्यप फाउंडेशन मोदी किट के नाम से सामग्री वितरण कर रहा है। किट में 5 किलो आटा, 1 लीटर तेल, चने की दाल, 1 किलो आलू तथा जरूरत के मसाले एवं नमक है। प्रशासन द्वारा गठित समिति ने दिलीप नगर, राजीव नगर तथा अर्जुन नगर के 125 परिवारों तक यह किट वितरित की है।